हम इंटरनेट की तलाश और बिजली के बिलों में रुल गए। इंडिया जापान को ऑटो इंडस्ट्री में पीछे छोड़ रहा है। मारुति सुजुकी से 1600 से ज़ायद गाड़ियां, मेड इन इंडिया एसयूवी कार पहली बार जापान को बरामद किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हिंदुस्तान तैयार करदा गाड़ियां दुनिया की सबसे बड़ी समझदार ऑटोमोटिव मार्केटों में पहुंच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। कल मैं अपने प्रोफेशनल कामों में बिजी होने की वजह से व्लॉग नहीं कर सका, इसलिए कल की दो अहम पिटीशंस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, उस हवाले से अपना तजिया पेश करूंगा और आज और कल जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको भी टच करूंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल्स पर जो वीलॉग है आपको रेगुलर मिलते रहें। दो इम्पोर्टेंट केस में इमरान खान साहब और बुशा बीबी की जमानत केस जो तोशा खाना 2 केस में वो पेंडिंग थी, कल डीबी जिसकी सरबराई मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे वो कर रहे थे और उस वाले से, और इसके अलावा जो अजहर मेशवानी साहब के दोनों भाइयों का अगवा केस था कल वो पेंडिंग था। इसके अलावा एक मोहम्मद फैजान सोशल एक्टिविस्ट थे उसका भी जो अगवा है अभी तक सामने नहीं आ चुका। वो उनके हवाले से जो कल की प्रोसीडिंग्स में जो कोर्ट ने स्टेटमेंट्स दिए हैं या ऑर्बिटर टिकटक किया है या अपना इजहार किया है उस हवाले से तजिया शामिल होगा। तो सबसे पहले जो इमरान खान साहब की बेल पिटीशन है, ऐसा मालूम है कि एक पूरा तरीक़ेकार मौजूद था कि इमरान खान साहब को अगर नैब तोशाखाना 2 में गिरफ्तार ना करती तो इमरान खान साहब रिहा हो सकते थे, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी डाली गई। और फिर तोशाखाना 2 में पहले जनाब वो ज्वेलरी जो ग्राफ्ट ज्वेलरी थी उस हवाले से था, उस पर डिटेल में नहीं जाता, लेकिन उसके बाद जब उनकी सज़ा जो है ख़त्म हुई और फिर इसके बाद जो 56 गिफ्ट थे उसमें से एक और गिफ्ट की जनाब इन्होंने इंक्वायरी शुरू की और उस पर गिरफ्तारी डाली, फिर इमरान खान साहब और बुशा बीबी ने जमानत के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। और कल काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस हुई जिस पर फाजिल कोर्ट ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं और जिससे मालूम होता है कि इसमें नैब की बदनीयती थी। और अगर इसी सिलसिला शुरू किया जाए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में ज़मानत होती है तो फिर एक और जो है किसी गिफ्ट के हवाले से इमरान खान साहब पर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, तो ये तो कानून का पहले भी मजाक है, वो मज़ीद मजाक बन जाएगा। और इस तरह अगर ये शुरू किया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे दी जाए, तो फिर एक केस फिर दूसरा केस 55 केस मुकदमे पड़ेंगे। तो कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं उस हवाले से मैं वो रिमार्क सिर्फ आपको बता दूँ, वह बहुत इम्पोर्टेंट है कि फाजिल कोर्ट ने बताया एक जगह पे कि सेक्रेटरी काबीना तोशाखाना का कस्टोडियन होता है, अगर कोई तोहफ जमा नहीं कराता तो सेक्रेटरी काबीना ने इकदाम करने थे। नैब ने सेक्रेटरी काबीना को मरकजी मुल्जिम बनाया, अगर ऐसा नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? अगर कोई तोहफ लेकर जाता है तो वो मरकजी मुल्जिम तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि नैब ने सेक्रेटरी काबीना के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। और इसके साथ साथ मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार किया और बताया कि नैब जो स्टांस ले रही है इंतहाई मजाक खेज और मजाया बयान है। इसके अलावा फाजिल कोर्ट ने कहा कि नैब ने तोशाखाना में तोहफ जमा ना कराने वाले तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। और इससे अगर देख लें कि जनाब 77 सालों में कितने लोगों ने गिफ्ट किए, वो पूरी डिटेल अब मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट के इमा पर। उन्होंने तकरीबन 90 से लेके अब तक के जितने भी गिफ्ट मुख्तलिफ डिग्निटरीज जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स या फिर फौजी जनरल या ब्यूरोक्रेट्स को मिलते रहे हैं उसकी पूरी डिटेल मौजूद है। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। और फिर इस बात पर भी कहा कि जनाब एक केस पर आपने ये किया, अब दूसरे केस पर कर रहे हैं, इस तरह आप सब कह रहे हैं कि जनाब 56 गिफ्ट हैं, तो क्या खान साहब पे 1 by 1 आप जो है इस 56 केस करेंगे? और उस पे बड़ी मजाक का खेज इस पे जिस उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा हो सकता है, कानून में कदगन नहीं है, तो जिस पे कहा ये तो आपने बड़ी मजाक का खेज बात की है और आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सेक्रेटरी काबीना तोशाखाना का इसके कस्टोडियन के बाद फिर एक और बयान दिया कि सेक्रेटरी काबीना तोशाखाना का कस्टोडियन होता है,
इमरान खान को 13 जुलाई की मैजिक डेट को गिरफ्तार करने की वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। नैब का पहला कॉलअप नोटिस तो दुरुस्त नहीं है, दूसरा भी हमें दिखा दें। आप नैब के मुबम कॉलअप नोटिस पर गिरफ्तार का जवाब कैसे पेश करेंगे? ये अदालत आज गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। इसके अलावा कहा गया कि नैब ने तोशाखाना में तवायफ जुमा ना कराने वाले तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। एक ही दिन में आपने बहुत से जो गैर कानूनी स्टेटमेंट दिए हैं उस वाले से फाजिल कोर्ट ने नैब की सरजनिश भी की और बताया गया कि आपने जितने भी इस वक्त आर्गूमेंट्स किए हैं ये इसमें हमें कन्विंस नहीं कर सके कि आपको इमरान खान साहब की को गिरफ्तारी या फिर उनको जमानत ना देने पे आपको इतराज़ क्या है, जबकि परामा फशाई इनका केस नहीं बनता और बदनीति साफ नज़र आ रही है। बहरहाल इस बहस के बाद 21 अगस्त को अब ये केस पर हेरी होगी और उम्मीद है कि जिस तरह कोर्ट स्टेटमेंट्स दे रही है अगेंस्ट नैब इल विल या इल इंटेंशन मालाफिडी या अल्टीरियर मोटिव्स, तो उम्मीद है कि इमरान खान साहब को इसमें जमानत हो जाएगी। अब इसके रिपरकशंस देख लें कि इमरान खान साहब या तो फिर बहुत सी जिस कन्विक्शन हुई है वो बतल हो चुकी है या उनकी ख़त्म हो चुकी है, और जो जमानतें थी 200 केसेस में सारों में जमानतें मौजूद है। इवन जब इन्होंने 9 मई का डाला तो लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम में उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी, यानी कि उसमें भी अब इमरान खान साहब मतलूब नहीं है। तो अब एक ही केस रह गया जो अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से इस वक्त चल रहा है, फाइनल स्टेज पे है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब सजा हो जाएगी, यकीनी तौर पे प्लान इनका यही है। और जिस तरह कल काजी फायजी साहब एवर जो कि हमेशा पाकिस्तान तहरीक साहब और पीटीआई के लिए खुल के सामने आ गए हैं, वो जज ही नहीं कर रहे और बल्कि जो फस्ताइयों के और गारतगरों के ये ए टीम बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, कल किसी और केस में मुनाल केस के हवाले में अल कादिर का ट्रस्ट जिक्र करना शुरू कर दिया और कहा कि जनाब करप्शन की गई है 190 मिलियन। तो वाज तौर पर काजी फायजी ने जो इशारा किया है तो जिस तरह लग रहा है नीयत कि जनाब इसमें सजा दे दी जाएगी, लेकिन अभी फाइनल आर जो 342 की स्टेटमेंट इमरान खान साहब के लिए ही आई उसके बाद आर्गूमेंट्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की टीम को इसमें डिफेंस लेना चाहिए और उनका राइट होता है, और जब डिफेंस का राइट ले लेंगे तो फिर उसमें फिर आप अपने जितने भी एविडेंस है अपने विटनेसेस है वो ला सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि जनाब ये केस अमूमन क्रिमिनल केस में डिफेंस नहीं लिया जाता। लेकिन मैं समझता हूँ ये केस क्योंकि बदनीति पे है और जिस तरह इन्होंने गवाह पेश किए हैं गलत किस्म के, आप उससे ज़्यादा वो गवाह पेश कर सकते हैं जो इनको रिबट भी कर सकते हैं और केस को विशेड कर सकते हैं और वाइड एब इनिशियो डिक्लेयर करवाया जा सकता है। तो मेरी राय यह है कि इस पर डिफेंस में आपको जाना चाहिए और उसके बाद अपनी एविडेंस लानी चाहिए। इसके अलावा जो गिरफ्तारियों के हवाले से जो अगवा के केस के हवाले से अजहर मशवानी के केस दो बाप के भाइयों के केस और मोहम्मद फैजान के केस में वाज़ेह तौर पे बताया गया, जिस तरह पहले अजहर मशवानी साहब के भाइयों का केस लाहौर हाई कोर्ट में था लेकिन जो हमारे शहबाज गिल साहब हैं उनके भाई जो थे उनको भी पहले वहाँ पर था, फिर इन्होंने हैबियस पिटीशन यहाँ लगाई वहाँ से लेके और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको इंसाफ मिला। तो लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के तहत जो हमें एक अप्रिहेंशन सी उसी तरह बढ़ रहे हैं कि शी इज़ मैनेज्ड, और ऐसे केसेस सेंसिटिव केस उन जजेस पे लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल इस मामले को नॉर्मल तरीके से देखा जा देख रहे हैं और नोटिस पे नोटिस और डेट्स पे डेट्स। तो फिर इसके बाद ये दोनों केसेस भी वहाँ से यहाँ ख़त्म वहाँ करके यहाँ पर लगाया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चाहे वो अहमद फराद का केस हो या फिर शहबाज गिल के भाई का केस हो, इन्होंने स्पीडी तरीके से इनकी एजेंसियों की हमारी फेडरल हुकूमत की मिनिस्ट्रीज़ की चाहे उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री है या डिफेंस मिनिस्ट्री है तमाम को की सरजनिश की और उम्मीद है कि यहाँ पर इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं। और लास्ट टाइम मैंने अर्ज़ किया था कि 15 अगस्त को डेट होगी और उसमें उन्होंने दिया है कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत करेंगे और कल की हियरिंग में भी इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि और उसमें जो ऑब्जर्वेशन दी है वो इंतहाई मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखा जाए तो वो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा कि दिल दुखता है जो पाकिस्तान में हो रहा है और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और दिन दहाड़े फेडरेशन के तहत अगवा हो रहे हैं लोग और सबको मालूम है कि हमारी एजेंसी इन्वॉल्व है इन तमाम अगवा केस में ताकि प्रेशर करके उनको पीटीआई से छुड़वाया जा सके और वो जो सोशल मीडिया में कानून के मुताबिक आयन के मुताबिक
अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं तो उसको रोका जा सके। लेकिन उसमें ऑब्जर्वेशन मुख्तसर उन्होंने कहा कि आप जुल्म कर रहे हैं और मैं इंसाफ करूंगा, और अगली तारीख तक अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया तो मैं इंशाल्लाह फैसला इंतहा इम्पोर्टेंट करूंगा और आप लोगों के खिलाफ तौहीन इदाद के अदालत के साथ जो कार्रवाई हो सकती है वो करूंगा। एक जगह पे स्टेटमेंट दिया है कि अगर फेडरेशन ये काम जो है करना है और इसे लीगल समझते हैं जो कि गैर आनी है गैर कानूनी है तो फिर ऐसा करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो बुनियादी हकूक का चैप्टर है उसको एक आइनी तरमीम के तहत ख़त्म कर दें। हम नहीं आपको बताएंगे क्योंकि एक ही तरीका है कि आइन में तरमीम कर दें ताकि अदालतें उसमें इन्वॉल्व ना हो सके या इंटरफेरेंस ना करें। जब तक इसका मतलब ये है कि आइन में ये बुनियादी हकूक मौजूद है तो फिर ये हम बाउंड है कि जनाब इस पर हम इंटरफेयर करें और फिर आपको रिट इशू करें। तो इन्होंने इंतहा सख्त किस्म के मैं समझता हूँ हौसला अफजा पाकिस्तानियों के लिए स्टेटमेंट्स दी। इसके अलावा आपको मालूम है इम्पॉर्टेंट आजकल जो फायर वालों का चल रहा है मामला जिसमें अरबों रुपए कौम का हड़प किया जा रहा है, ज़ाया किया जा रहा है, खाया जा रहा है, कमीशन खाए जा रहे हैं, और फिर पहले ताइवान की कंपनी को फिर चाइना की कंपनी को कि किसी तरह 24 करोड़ अवाम की ज़बान बंद की जाए और उनके जहनों पर ताला लगाया जा सके। लेकिन इसके जो रिपरकशंस मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ उसमें एक तहरीर है, सिर्फ उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानियों का कितना नुकसान हो रहा है। जहाँ पर हमारी सनअत ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म हो रही है, हमारी ज़राअत जो है वो ज़बूं हाली का शिकार है, हमारा सर्विस सेक्टर ख़त्म हो रहा है, हमारा टूरिज़्म ख़त्म हो रहा है क्योंकि अमन नहीं है, टूरिज़्म नहीं है। तो हर जगह जहाँ पर हमारे नौजवान जाके कुछ कमा सकते हैं उन रस्तों को बंद किया जा रहा है। तो नौजवान आज के दौर में आईटी को अपनी ताकत बना सकते थे और फेडरेशन को चाहिए था कि ये मौके फराम करते। बहरहाल वो लंबी कहानी है, लेकिन अब जो बेचारे नौजवान जो बेरोजगार थे घर में बैठ के आईटी के ज़रिए अपने कुछ पैसे कमा के अपना अपने वालदेन का अपने घर वालों की खिदमत करते थे या उनको घर चला रहे थे उसमें भी अब डाका है क्योंकि इंटरनेट स्लो किया जा रहा है और सबको मालूम है, अखबारों में भी आ रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है कि जनाब इंटरनेट स्लो किया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, आजकल कंपटीशन का दौर है, जहां पर इंटरनेट एक्टिव होगा जहां तेज़ होगा और प्रॉम्प्ट सर्विस देंगे तो जितने भी सर्विस टेकर हैं जो सर्विस लेते हैं सेल एंड परचेज का काम करते हैं मार्केटिंग करते हैं उनको नौजवानों की ज़रूरत होती है तो वो ऐसे ममालिक में उन नौजवानों को देंगे जो तेज़ी से सर्विस अपनी प्रोवाइड करके उनका काम असाइनमेंट मुकम्मल कर सके। लेकिन जहाँ पर इंटरनेट या तो आए ना या आए तो इतना स्लो हो कि टाइम पे ना दे सकें तो फिर ऐसी कंपनी फिर ऐसे लोगों को नहीं देती। और बेशर नौजवान जो कि आईटी से लिंक्ड थे बड़ी चीज़ें सामने हैं वो अब बेरोज़गार होते जा रहे हैं। एक ही दिन में दो खबर, इंडिया में गूगल अपनी AI मुफ्त तरबियत और दूसरी तरफ पाकिस्तान में फाइवर पाकिस्तानी फ्री लाइसेंसर के लांसर के अकाउंट्स के साथ तंबी लगा रहा है कि प्रोजेक्ट देने से पहले एक दफ़ा सोच लें क्योंकि इस मुल्क में इंटरनेट ख़राब हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि आप इस मुल्क के नौजवान से बदला लेने में कामयाब हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट फाइवर ने ऑफिशियली कह दिया है कि पाकिस्तानियों को काम मत दें क्योंकि वहाँ इंटरनेट सही नहीं है, इस वजह से उन्हें काम डिलीवर करने में ताखिर का सामना करना पड़ सकता है। फायरवॉल या वैसे अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए नेट स्लो कर दिया गया है, लेकिन ये तो तय हो गया है कि अगर ये चंद हफ्ते भी ऐसा होता रहा तो पाकिस्तान ऑनलाइन फ्री लांसिंग मार्केट से आउट हो जाएगा। जब आप वक्त पर अपने क्लाइंट्स के साथ असाइनमेंट नहीं दे सकेंगे, जब आप क्लाइंट्स के ईमेल्स का जवाब नहीं दे पाएंगे या व्हाट्सएप मैसेज का जवाब फौरी तौर पर नहीं दिया जाएगा, जब आप नए प्रोजेक्ट लेने के लिए वर्क लिंक्डइन फाइवर जैसी वेबसाइट को चला ही नहीं सकेंगे तो यकीनी तौर पे फ्री लांसर्स की मौत हो जाएगी क्योंकि अब तो प्रॉक्सी के साथ ही है। इसके अलावा जो ये गारतगरों का एक जर्नलिस्ट होता था और बड़ी सपोर्ट करता था कि जो कुछ कर रहे हैं जनाब, उसका बेटा ही शिकार हो गया है और उसका नाम है जी अजहर सैयद, और वो कहता है कि जनाब के मेरे जो बेटे दो हैं वो फ्री लांसिंग का काम करते थे और अब जो है उस फ्री लांसिंग की वजह से इस जो इंटरनेट स्लो हुआ है उसकी वजह से शदीद नुकसान का शिकार हो गए हैं और जो महीने में हज़ारों डॉलर बैठ के घर कमा रहे थे इस इंटरनेट स्लो होने की वजह से अब वो उनका समकमाम ठप हो चुका है और फाइवर ने उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया है। तो ये तमाम हालात देख के पाकिस्तानी को अंदाज़ा होना चाहिए
इस पे जनाब फेडरेशन को क्या करना चाहिए और हमारी अदालतों को क्या करना चाहिए। और मुझे अभी खबर आई है कि हामिद मीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो फायर वायल इंस्टॉल किया जा रहा है और किया गया है और आवाम को रोका जा रहा है, इंटरनेट स्लो किया जा रहा है, उनको आप एक्सेस नहीं दे रहे, उनके बिजनेसेस को ख़राब कर रहे हैं, तो बड़ी डिटेल में रिट पटिशन फाइल की अगेंस्ट दैट, जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इंटीरियर भी और डिफेंस भी और आईटी भी और सारों को पार्टी बनाया गया है। और उसमें प्रे में जो है, मुख्तसर आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें डाली गई हैं कि पूरी डिटेल दें कि जितनी कास्ट लगाई है वो बताएं और बुनियादी हकूक जो कि इससे मुतासर हो रहा है उनको रोका जाए, और फिर इसको अगर कोई चीज़ें हैं तो वो जनाब पार्लियामेंट में लेके जाएं, पूरी डिटेल डिस्कशन हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के इस पे डिसाइड किया जाए। और इसके अलावा डिफरेंट जो है नेक्स्ट व्लॉग पे इंशाल्लाह हामिद मीर के इस रिट पे भी हम डिस्कशन करेंगे, और ये अच्छी मैं समझता हूँ डेवलपमेंट हुए। मेरी इतलाक के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में भी किसी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी ही रिट फाइल की है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ और लोग भी आएंगे। पार्टीज़ भी को मैं समझता हूँ जाना चाहिए, और मुख्तलिफ कोर्ट्स हाई कोर्ट्स में अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये रिट फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो फंडामेंटल राइट्स की अब वायलेशन हो रही है मुख्तलिफ आर्टिकल्स की, खासकर आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 19, उसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें, 25, ये सारी चीज़ें मौजूद है। ट्विटर पे पाबंदी लगाई है लेकिन खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारी ये चीज़ें ग्राउंड्स लेके मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रिट है, और इंशाल्लाह इस पे भी ये हुकूमत बैकफुट पे जाएगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, वसलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।